तो मैं विमला की शादी में नहीं जा सकूंगी और उसे जिंदगी भर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। गाड़ी मिले या ना मिले, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मोटर नहीं बनी जो रेल के ऊपर से कूद जाए। लो फाटक खुल गया, चलो। लो मोती बेटा टिकट। हट क्लास कमाले पेट धनपत राय का बेटा और थर्ड क्लास में जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे बेटा थर्ड क्लास का डिब्बा भी वहीं जाता है और फर्स्ट क्लास का भी वहीं, एक रुपए का काम पा जाने में। लाइए आपने अपने लिए प्लेटफॉर्म टिकट लिया कि नहीं? प्लेटफॉर्म पर कौन से लड्डू बढ़ रहे हैं, यहीं से टाटा कर लूंगा, खाम खा 10 पैसे का नुकसान। टाटा टाटा। माला तुम जगह टिकट नहीं आलो, मैं तब तक सामान रखवाता हूँ। अच्छा भैया। और सुनो आगे वाले फर्स्ट क्लास के डिब्बे में आ जाना, समझी? आओ खुली। पूछ लिया कि हम सफर एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, एक ही डब्बे में बैठे हैं और शायद एक ही ठिकाने जाएंगे। वेरी गुड। ये दोनों होल्डर आपके हैं? जी नहीं, एक मेरा है एक दूसरी व्यक्ति का। वो अगले स्टेशन पर यहाँ आ जाएगी। जी इसी डब्बे में? जी जी। भाई मेरे लड़की को जगह दो ना बैठने के लिए। बैठो बैठो बैठो। अच्छा मैं जगह बनाता हूँ। वे ये बैठने की जगह है, क्या चाहिए? एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए। एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए। बैठ जाऊं मैं
डाला तूने किया है कैसा चल टिकट तेरा सिंगल मगर तू डबल ओ मोटे लाला तूने किया है कैसा चल टिकट तेरा सिंगल मगर तू डबल किसक जरा प्यारे नरक जरा प्यारे किसक जरा प्यारे नरक जरा प्यारे ऐसी बॉडी में दिल भी बड़ा चाहिए एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए बैठ जाऊं नकली दाढ़ी वाले तू गुस्सा मत कर हमें भी जगह दे दे खुदा से ज़रा डर ओ नकली दाढ़ी वाले तू गुस्सा मत कर हमें भी जगह दे दे खुदा से ज़रा डर खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे तेरा फोटो न तेरा पता चाहिए एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए बैठ जाऊं भी जरा कर दो इनायत की नजर खुशी से कट जाए हमारा भी सफर हम पर भी जरा कर दो इनायत की नजर खुशी से कट जाए हमारा भी सफर खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे खिसक जरा प्यारे सरक जरा प्यारे जो किसी का न दिल तोड़ना चाहिए एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए परे मियां आप तो बैठो 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 खट तो सर को माला जा रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया मां लेकिन घबराने की कोई बात नहीं सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी है वो हॉस्पिटल में भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना प्रभु चल बेटा इधर का टिक टिक तो तुमने 3 घंटे में 3 दफा देख लिया लेकिन इधर की धक धक का बंदोबस्त अभी तक नहीं किया हम बोला ना उसका नाम है माला वेट में तुमसे डबल होएगा जरा थोड़ी तगड़ी है उसको खाली बोलने का है तुम्हारा मोती अभी जिंदा है मरा नहीं कौन मरा अरे बाप रे अरे मर गया वो इधर भी आओ आए ओ ओ कमाल है जिसको सबसे कम लगा है वो सबसे सबसे ज्यादा चिल्लाता है मैं एक काम करो ये सांप को खटिया के साथ बाहर निकालो नहीं तो ये अपना दिल भी कमजोर कर देगा नार
बाजू में डॉक्टर है, उसको बुलाओ ना। ना फर्स्ट क्लास का पैसेंजर है लेकिन बिल्कुल थर्ड क्लास है। बाजू में डॉक्टर है, उसको नहीं बुलाता है, तुमको बुलाता है। लाओ गोली खिलाओ। माला, माला मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? अच्छी माँ, मेरी तो जाली निकल गई सुनकर। माला ज्यादा चोट तो नहीं है? नहीं भैया, बच गई तुम्हें देखने के लिए। माँ तो बहुत घबरा गई थी, वैसे घबरा तो मैं भी गया था। डॉक्टर, अब तबीयत कैसी है? आपका नाम? मेरा नाम मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम तुम्हें नहीं मालूम? तुम भी नहीं जानते? किसी को तो मालूम होगा। तुम मुझे जानते हो? कौन हूं मैं? मुझे बता दो कौन हूं मैं, बताओ ना। घबराओ मत बेटी, घबराओ मत। पेशेंट को एग्जामिनिंग रूम में लेकर। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इस लड़की को? इट्स अ केस ऑफ एमनेसिया। ये लड़की अपनी याददाश्त खो बैठी है। याददाश्त खो बैठी है? मोती बेटा, ये तेरे चेहरे का रंग क्यों बदल गया है? अब पिताजी, ये लोग कहते हैं एक्सीडेंट की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। अरे बेटा, इन्हीं एक्सीडेंटों के डर से मैंने तो तांगे पर चढ़ना भी छोड़ दिया। मुझे पता है पिताजी कि आप एक्सीडेंट के डर से नहीं चढ़ते, या खर्चे के डर से। अरे खर्चे को गोली मार तू दे। ये इतना फ्रूट है कि मेरे लिए? तेरे लिए? मगर 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 खर्चा कौन देगा? फ्री, अस्पताल की तरफ से। ओ, ओ, क्यों ना हो, हमने टिकट तो लिया था है। कितना आराम है यहाँ है। बेटा, मेरा भी दिल चाहता है कि एक दो महीनों के लिए अस्पताल में ही रह जाऊँ। तो फिर घर पे कौन रहेगा? तू रहना। मुझे तो कल छुट्टी मिल रही है और परसों मुझे हिल स्टेशन जाना पड़ेगा। ये देखिए ना खर्चे की लिस्ट। चार टाइम फ्रूट, छह टाइम दूध, आठ टाइम सूप और दस टाइम जूस। इसके अलावा एक महीना कश्मीर जाकर सिर्फ चश्मे शाही का पानी पीना जरूरी है। मगर ये सब खर्चा गवर्नमेंट करेगी या मुझे करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। चोट अंदर की है। अंदर की चोट है इसलिए खर्चा करना पड़ेगा? बेटा, डॉक्टर से कहे कि अंदर की चोट को बाहर ले आए। अंदर की चोट को बाहर? हाँ, हो सकता है। कैसे कैसे? आपको चंदा देना पड़ेगा। हाँ, एक दो रुपए दे देंगे। एक दो रुपए? पांच दे देंगे। पांच नहीं, कम से कम 500 देना पड़ेंगे। ओ, तेरा दिमाग खराब हो गया है? 500 से तो आजकल नया अस्पताल बनता है। देखिए ना पिताजी, अंदर की चोट को बाहर लाना है तो 500 रुपए। हाँ। और अगर मैं कश्मीर जाकर इस खुराक के साथ रहूंगा ना तो कम से कम 5000 खर्चे होंगे। ओहो, चोट बाहर आ जाए तो 500, अंदर ही रहे तो 5000। बेटा ले ले ले, ले तू ये ले, 500 ले ले और चोट को बाहर बुला ले। मुझे भी दो एक। मरीजों के लिए है। ये ट्रेन कंपार्टमेंट हॉस्पिटल में? डॉक्टर साहब, मैं कुछ समझा नहीं। जैसा मर्ज वैसा इलाज।
आप ही ने बताया था कि एक्सीडेंट से पहले आप इस लड़की से रेलवे कंपार्टमेंट में मिले थे, इसी लिबास में, ठीक? जी हाँ। तो हम इसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, I see। आप सिर्फ इतना कीजिए, जो बातें आपने इससे उस वक्त की थी उन्हें दोहरा दीजिए। That's right, doctor. You're right. Come on. चलिए। माफ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि ये लेडीज कंपार्टमेंट है। ओ नहीं है, दैट इज ऑल राइट। मुझे याद आया, मैं तो जा ही नहीं रहा हूं। मेरी बहन माला जा रही है और वो टिकट खरीद रही है। आप कहां जा रही हैं? बताइए, क्या नाम है आपका? कहां से आ रही हैं आप? कौन हैं आप? बताइए, बताइए, याद कीजिए, याद कीजिए, याद कीजिए। मुझे कुछ नहीं याद, मुझे कुछ नहीं याद। मिस्टर कैलाश, आपको डिस्चार्ज मिल गया, आप जा सकते हैं। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अभी तो मेरे सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, टांगे हिल रही हैं। कमाल है, अजीब आदमी हो, लोग अस्पताल आना नहीं चाहते, तुम अस्पताल से जाना नहीं चाहते हो, क्या माजरा क्या है? तुम नहीं समझोगे, मैं तो यहाँ का लाइफ मेंबर बनने के लिए तैयार हूँ। मैं समझ गया, परमात्मा ने चाहा तो तुम्हारी ये इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी, कोई हाथ पांव तोड़ के तुमको वापस भेज देगा। आदमी दिलचस्प, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी हुई, लेकिन आपके जाने की आज रात आराम से सो तो सकूंगा ना, चिल्ला चिल्ला के खोपड़ी फिरा डाली थी। फिर मुलाकात होगी तब। नहीं हो तो अच्छा है। हाँ भैया। क्यों? क्योंकि इनका अपना अभी तक कोई नहीं आया। अजी छोड़िए अपने पराये को, जब वक्त आता है तो पराये अपने बन जाते हैं और अपने पराये, ये तो दुनिया है और दुनिया में रहने वाले सब अपने हैं, सब अपने। अब देखिए ये फूल, पहले ये बाग के थे, फिर माली के बन गए, फिर मेरे बन गए और अब आपके बन गए। भैया मैं सोचती हूँ इन्हें अपने घर क्यों लेने चले। ख्याल तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें रुमाल बहुत खरीदने पड़ेंगे। वो किसलिए? क्योंकि मालूम होता है इन्हें रोने की आदत है और आंसू पोंछने के लिए रुमाल चाहिए। एक रुमाल भीगा, दूसरा दे दिया, दूसरा भीगा, तीसरा दे दिया, तीसरा भीगा। बस भैया बस, तुम सिर्फ इतना करो, माँ से कहो कि हम इन्हें अपने घर ले जाना चाहते हैं। मैं माँ से कहूँ तब तो हो चुका, ये बेचारी तो बाहर है ही, मैं भी बाहर। तो मैं कहूंगी। और मैं मना करूंगा, लेकिन आप गलत ना समझिए, मेरी माँ ऊपर से सख्त जरूर है लेकिन उनका दिल समुद्र से गहरा और आसमान से विशाल है। अरे प्रकाश, तू पहले से आ गया? हाँ माँ। चलो अच्छा हुआ, चलेंगे ना बेटिया। माँ वो हम इन्हें भी अपने साथ क्यों न ले चले, इस बिचारी का कोई नहीं है। क्या कहती हो माला, हमारे घर में इतनी जगह कहाँ है? कैसी बातें कर रहे हो भैया, कितने कमरे तो खाली पड़े हैं और फिर इस बिचारी के साथ 10-20 आदमी थोड़े ही है, झगड़ते क्यों हो? माँ ये बात ही ऐसे करती है, मान लो आज हम इन्हें घर ले गए, कल इनके घर वाले आ गए तो भेज देंगे। तो फिर ठीक है, जितने दिन ये रहेंगी उतने दिन के पैसे ले लेंगे। तेरा दिमाग खराब हो गया, मेरा घर होटल है, मैं पैसे लूंगी? नहीं माँ, तुम अगर चाहो तो इन्हें जिंदगी भर रख सकती हो। तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया है, आज शाम को तुम्हें अनाथ आश्रम भेज दिया जाएगा। अनाथ आश्रम? क्या मैं सचमुच अनाथ हूँ? माँ बाप भाई बहन कोई नहीं मेरा, कोई नहीं मेरा। रोने बेटी, अनाथों के नाथ भगवान होते हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। माँ तुम कितनी अच्छी हो। मैंने कहा था ना मेरी माँ का हृदय विशाल है। नर्स, ये लड़की अनाथ आश्रम नहीं मेरे साथ जाएगी, इसके लिए आपको डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। जिसे भी पूछना होगा मैं पूछूंगी। चलो
अब आप इस घर को अपना ही घर समझिए। क्यों माँ? हाँ बेटी आओ। पिताजी। क्या है मोती? माला की माँ से शादी की बात कब करेंगे? माला की माँ से मैं शादी करूंगा? बाप से मजाक करते हुए शर्म नहीं आती? सुन, क्या माला की माँ? पिताजी मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। बेटे बात लपेट कर नहीं खोल कर कहा करते हैं, और फिर शादी की बात करनी ही क्या है, बात तो करनी है दहेज की। मुझे दहेज नहीं माला चाहिए। और मुझे दहेज चाहिए। पिताजी शायद आपको मालूम नहीं कि गवर्नमेंट ने दहेज लेना बंद कर दिया है। अरे गवर्नमेंट क्या अपनी जेब से देती है दहेज? ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने दहेज लेना बंद कर दिया है तो हमने भी शादी करना बंद कर दिया। इसमें भी गवर्नमेंट का ही फायदा है पिताजी। गवर्नमेंट का फायदा है? मैं गवर्नमेंट का जरा फायदा नहीं होने दूंगा। क्या फायदा है गवर्नमेंट का? देखिए ना पिताजी, शादी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो आपके धन की वारिस गवर्नमेंट हो जाएगी, सारा माल गवर्नमेंट को चला जाएगा। कहता तो ठीक है, गवर्नमेंट को क्यों दूं? अपने पोतों को दूंगा। कम से कम एक दर्जन बच्चे होने चाहिए। एक दर्जन क्या पिताजी? लेकिन नहीं, देश की आबादी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ज्यादा बच्चे हो। अरे गवर्नमेंट का क्या जाता है, वो क्या अपने घर से बच्चों को खिलाती है? अजीब गवर्नमेंट है, दहेज बंद करती है, ब्याज लेने से रोकती है, अमीरों को दबाती है और गरीबों को उठाती है, ब्लैक ब्लैक कहकर लोगों की कमाई का रास्ता बंद करती है। तू शौक से माला से शादी कर ले। और सुन बेटे, अगर माला की माँ तुम्हें चुपचाप कुछ धन दे तो तुम भी चुपचाप ले लेना है, इससे अपना फायदा अपने बच्चों का फायदा। मैं जल्दी बात करता हूँ। थैंक यू पिताजी, वेरी वेरी थैंक यू, थैंक यू। नहीं कभी नहीं। अरे तुम अब तक सोई नहीं? नींद नहीं आती माला, क्या बात है? अजीब उलझन, तुम लोगों ने मुझे इतना अपनाया है, इतना करीब कर लिया है, ये जाने बगैर कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ। आखिर तुम्हें ये सब सोचने की क्या जरूरत है? क्या ये काफी नहीं कि तुम अब अकेले नहीं हो? माँ तुम्हें बेटी मानती है, मैं बहन समझती हूँ, और भैया जब से तुम यहाँ आए हो खुशी से फूले नहीं समाते। मैं जानती हूँ, मुझे तो इस सब बातें सपनों जैसी मालूम होती हैं। डरती हूँ कि आँख खुल जाए तो पता नहीं क्या होगा। ओहो, इसलिए तो कहती हूँ आंखें बंद कर लो, अच्छे सपनों से जागना अच्छा नहीं। चलो सो जाओ, सो जाओ। लो फल खाओ, बड़ी मेहनत से लाया हूँ, इसलिए कि मेहनत का फल मीठा होता है। अरे भाई, अबे तबीयत तो ठीक है? कुछ मत पूछो। बिल्कुल ठीक, पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो तो दिख रहा है शक्ल पे, 12 बजे में है। क्या मामला क्या है, किसी से मोहब्बत हो गई क्या? बस होने वाली है। किससे? ये भी मत पूछो। बहुत अच्छे, ये भी मत पूछो, वो भी मत पूछो, तो फिर खा ही जाओ। उसका नाम पता कुछ मालूम है? यही तो मुश्किल है, वो अपना नाम खुद नहीं जानती। हाँ, तो तुम उस मेमोरी वाली लड़की के चक्कर में हो। अबे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, एक दिन उसको बुलाओ और हाल दिल सुना दो। बुलाऊं कैसे? एक कहकर बुलाता हूँ तो नौकरानी आ जाती है, वो कहकर बुलाता हूँ तो माला चली आती है। तो भैया ऐसा करो, एक रोज जब उसके पास कोई न हो तो ये कहकर शुरू हो जाओ। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। माफ कीजिएगा, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। मम्मी, हम लोग तो ड्रामे की रिहर्सल कर रहे थे, क्यों है ना? जान बची, देखा, प्यार की पुकार से अपने तो अपने पराये भी खींचाते हैं। चलो आज ही ट्राई मारो, आओ। Thank you.
बाहर का सोचना छोड़ो और कुछ काम का सोचना शुरू करो। माला कैसी बातें करती हो, अगर माता जी ने सुन लिया तो? नहीं सुनेंगी, वो स्नान कर रही हैं। स्नान कर रही हैं? इस वक्त? हाँ, वो छूतछात बहुत मानती है ना, इसीलिए आठों पहर उनके स्नान ध्यान नहीं बीतते हैं। भैया कहाँ है? अपने कमरे में है ना? मुझे क्या मालूम? हाँ, मुझे मालूम है, अपने कमरे में ही है। उन्हें ये चाय देनी थी, तुम दे आओगी? मैं दे आती, मगर क्या करूं, सर पे सिंह जो लगा रखे हैं। दे आना प्लीज। गुड गर्ल। अब कहो। सुनो, मैं इसी इंतजार में था कि कभी तुमसे अकेले मुलाकात हो तो कुछ बातें कर सकूं। शर्मा मत, अब तो हमें एक साथ ही रहना है, तुम मुझे गलत न समझो, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है, उनसे है, और मैं क्या कहूँ, जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता है। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें आवाज दूँ, बुलाऊँ, पुकारूँ। आप किससे बातें कर रहे हैं? क्या देख रही हैं आप? जवाब नहीं। क्या? मैं कह रहा था, सच बता दो, मैं तुम्हें मेरा मतलब आपको बुलाने का रिहर्सल कर रहा था। ना एजी कहने से आती हो, ना ओजी कहने से आती हो, माँ बेटी कहकर बुला लेती है, माला बहन कहकर पुकार लेती है, बाहर वाले मैडम मिस देवी जी कहकर बुला लेते हैं, लेकिन मैं क्या कहकर बुलाऊं? मैं क्या बताऊं? मैं बताऊं? बताइए। जरा हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए ना। मैं तुम्हें प्रकाश। ओ माँ, माँ बताएगी, माँ नाम बताएगी। क्या बताऊंगी बेटा, क्या पूछना है बताओ, क्या बात है? लो जो भी। माँ इन्हें क्या कहकर पुकारे? कुछ भी कहकर पुकारो, लो बेटी तुम भी लो। माँ ज्योति नाम कैसा रहेगा? बहुत सुंदर, ठीक है ज्योति नाम रखो। बहुत ही अच्छा नाम है भैया, महारा प्रकाश और इनका ज्योति। हाँ, जैसे माला और मोती। भैया तुम मुझे हमेशा चिढ़ाते हो, जो हम तुमसे बात नहीं करते, हम जाते हैं, चलो ज्योति चलो ना। वो चली गई, वापस आ जाइए। प्रकाश आई मीन मोती। अरे वाह बहुत अच्छे, मैं तो ये समझ रहा था कि उसकी अटैच गई है, लेकिन पता लगा कि बड़े भाई भी कौन है। यार मोती तू बड़ा साइकोलॉजी का प्रोफेसर बना फिरता है, ज्योति की याददाश्त वापस लाने की कोई तरकीब नहीं बता सकता? तरकीब है, लेकिन पहले ये बताइए कि याददाश्त चाहिए या वो लड़की? दोनों। नामुमकिन, याददाश्त आई कि लड़की गई, फिर तो तुम यही गाते फिरोगे, ना खुदा ही मिला ना विशाल तनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अरे यार किधर के तो रहेंगे, मगर ज्योति की याददाश्त जरूर वापस आनी चाहिए। बिल्कुल आएगी। एक काम करो, एक पूरा ट्रेन रिजर्व कराओ और उसके बाद ज्योति जी को उसके अंदर बिठाओ और फिर उस ट्रेन को पुल के ऊपर लेकर आओ और फिर क्या करो कि टाइम बम से पुल को उड़ाओ और उसके बाद जाके ज्योति जी को जगाओ और अगर जाके तो समझना कि याददाश्त वापस आ गई और अगर नहीं जागी तो मुझे फांसी। फांसी? अरे ये तो मैं भूल गया था। आइडिया नंबर टू, ये बिल्कुल आसान है, आओ। बैठ जाओ, अब तुम इधर आओ। क्यों? इसलिए कि इनकी याददाश्त आएगी तो तुम्हारी चली जाएगी। चलो चलो चलो। वन टू याददाश्त वापस ला लो ना।
याददाश्त तो गई है, इस तरह तो मेरी दुनिया चल गई। तो इसीलिए तो कहता हूँ याददाश्त की झंझट ही मत आओ। देखो ना, जो ये भूल गई है उसे तुम भी भूल जाओ, जो तुमको याद है वो इनको याद कराओ और खुशियां मनाओ, हंसो गाओ। चल जाओ, उठो उठो, जाओ जाओ। अरे जाओ ना, उधर क्या देख रही हो, इधर आओ आओ आओ। अरे आओ ना। ये तेल कौन सा है बताऊंगा। दिल मेरा आज खो गया है कहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं। आपके पांव के नीचे तो नहीं, आपके पांव के नीचे तो नहीं। दिल मेरा आज खो गया है कहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं। फेर के मत जाइए रुकिए तो जरा, यूं नजर फेर के मत जाइए रुकिए तो जरा। आपको मेरी कसम खैरी सुनिए तो जरा, आपको मेरी कसम खैरी सुनिए तो जरा। है जहाँ आप मेरा दिल है वहीं, है जहाँ आप मेरा दिल है वहीं। आपके पांव के नीचे तो नहीं, आपके पांव के नीचे तो नहीं। दिल मेरा आज खो गया है कहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं। दिल चुराया हो तो पहलू में छुपाए रखिए, दिल चुराया हो तो पहलू में छुपाए रखिए। जिंदगी भर मुझे दीवाना बनाए रखिए, जिंदगी भर मुझे दीवाना बनाए रखिए। लेकिन एक बार दिला दीजिए यकीन, लेकिन एक बार दिला दीजिए यकीन। आपके पांव के नीचे तो नहीं, आपके पांव के नीचे तो नहीं। दिल मेरा आज खो गया है कहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं। वेरी गुड। क्यों भाई प्रकाश, ये वही देवी जी है ना जो अपनी याददाश्त खो बैठी थी? वेरी गुड। ये अपनी याददाश्त खो बैठी और तुम अपने होश खो बैठे, क्या होते हो? पता नहीं हूँ प्यारे, कहता हूँ देवी जी से हमें भी आजमा कर देख लेती, बुरे हम भी न थे। अच्छी बात है। बुरी बात है, लड़ाई झगड़ा मारपीट शरीफ आदमी का काम नहीं। जाओ घर जाओ, देख लूंगा। अरे भाई चला जाओ, वरना उधर से हल्का बड़ा यहाँ से भारी पड़ जाएगा। मोती आज अगर तू बीच में नहीं आता तो मैं इसकी जान ही ले लेता। भैया उसमें भी अपना ही नुकसान था। देखो ना, तुम इसकी जान लेते, पुलिस तुम्हें पकड़ती, अदालत में केस चलता, तुम्हें सजा हो जाती, हमें तो सदमा होता ही होता, मगर ये बहुत रोती। मैं क्यों रोती? अरे भाई देखो ना, मुझे अगर कुछ हो जाए तो ये माला नहीं रोएगी क्या? पर सिर्फ इतना है कि हम लोगों की मंगनी हो चुकी है और आपकी अरे अरे पार्टी कितनी समझदार नहीं मगर तुम बुद्धू की बुद्धू। चलो कमाल है पिताजी, आपकी मूंछ में एक बाल भी सफेद नहीं दिख रहा है, क्या बात क्या है?
मगर पैसे फिर भी नहीं मिलेंगे। पैसे कौन गधा मांगता है पिताजी, मैं तो ये चैरिटी शो के टिकट लेकर आया था। माला, प्रकाश, ज्योति हम लोग सब जा रहे हैं, आप भी चलिए ना पिताजी। इस उम्र में मैं क्या थिएटर देखूंगा। थिएटर नहीं है, मैजिक शो है, जादू सिंगल के डबल कर देता है। एक नोट की दो नोट, एक नोट की दो नोट। हाँ। तो भुका। यही तो देखने जाना है पिताजी। हाँ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और मैं उन लोगों को दावत दे चुका हूँ। खैर छोड़ो, मैं नहीं जाता। अरे बाबा क्यों नहीं जाता, जरूर जा। जहाँ एक के दो नोट बने वो तरकीब तो सीखनी चाहिए और वहाँ जाना चाहिए। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है पिताजी। मैं मर गया हूँ, ये ले 100 का नोट, जा एक के दो सीख कर। अब आप बोलते तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरा इरादा तो नहीं था। जा 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 जा, एक के दो सीख कर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमें बड़ा फखर है, बड़ी खुशी है कि चंदन नगर में पहली बार जादूगरों के बादशाह, बाजीगरों के शहंशाह गोगिया पाशा अपना जादू दिखाएंगे। गोगिया पाशा। दूध का आपको मालूम है कि दूध के साथ सबसे अच्छे से अच्छा जादू कौन करता है? दूध वाला। सुबह सुबह दे पानी में दूध। मैं भी आपको एक दूध का जादू दिखा रहा हूँ। किसी भाई साहब के पास कोई मैगजीन हो तो थोड़ी देर के लिए दे। यू डोंट माइंड? थैंक यू। मैगजीन है, बिल्कुल खाली मैगजीन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नेवर ए आई बाय इट बिकॉज ऑफ दिस पेज हियर। आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये मैगजीन बिल्कुल खाली है, बिल्कुल फटा हुआ मैगजीन है। क्या बात है। नहीं भाई, इट सर्व माई पर्पज, बिल्कुल खाली है। हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पेज है। इफ यू आर इन इट यू वांट टू गेट आउट, इफ यू आउट ऑफ इट यू वांट टू गेट इन, दिस पेज हियर। बिल्कुल खाली मैगजीन है, मैंने इस मैगजीन को डबल कर दिया। डबल करके इसको थोड़ा सा बीच में मैंने खोल दिया। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा भी, ये ग्लास दूध का है, इस ग्लास के दूध को मैंने आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इस मैगजीन के अंदर डाल दिया है, राइट इन साइड हियर। अब मैंने फिर मैगजीन आपके सामने खोल दिया है, दूध बिल्कुल गायब हो गया है। ईच एंड एवरी पेज यू कैन काउंट, सब के सब सब्जी देख लीजिए, बिल्कुल खाली है। जरा मैगजीन उल्टा कीजिए। ये देखिए, ये भी कर दिया है, और भी उल्टा, और देखिए और भी कर दिया। अगर बाहर भी है दूध से निकाली, वो साहब कह रहे हैं, देखिए गिले गिले गिले। दिस इज मैजिक लेडीज एंड जेंटलमैन, सेम मिल्क एंड सेम ब्लड सेम ऑफ सेम मैजिक। थैंक यू वेरी मच सर। Ladies and gentlemen, अब मैं आपको वो काम दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है दिल का इलाज। आप कहेंगे ये काम डॉक्टरों का है, मेरा नहीं, लेकिन मैं उस टूटे हुए दिल का इलाज करता हूँ, उस सख्म दिल का इलाज करता हूँ जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास भी मौजूद नहीं है। है कोई आप में जिसने दिल की चोट खाई हुई हो, मोहब्बत की आग में सुलग रहा हो, मछली की तरह तड़प रहा हो, आए तो सामने आए और गोगिया पाशा के जादू के कमाल दे। उठा जख्मी दिल वाला, उठा प्रेम का घायल ही उठा। आइए जरा, आइए तशरीफ लाइए। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या भाई साहब? कैलाश। कैलाश, और आपका काम? मोहब्बत। असली या नकली? बिल्कुल असली। अभी पता चल जाए, आई सून फाइंड आउट। इस तरफ
दुनिया जानती है मैं जबान काटता हूँ। मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, ये तो ब्लडलेस सर्जरी ऑपरेशन है, आपको दर्द नहीं होगा, कोई खून का खतरा एक नहीं बहेगा। हिलाइए मत, टांग हिलाओगे टांग काट दूंगा, हाथ हिलाओगे हाथ काट दूंगा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मत हिलाइए। गर्दन ही काटे देता हूं। चले 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 जवान, ये दिल किसी इंसान का तो नहीं है लेकिन शैतान का जरूर मालूम पड़ता है। There you are, we'll see. इस दिल में असली क्या नकली मोहब्बत भी नहीं है। ये दिल मोहब्बत के लायक नहीं है, जीने की काबिल भी नहीं है। आज तक मेरे शो में किसी की जान नहीं गई, इसकी जान भी नहीं जाएगी। I'll bring him back to life. गेले 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 कम। गेले गेले कम। अरे गुड़िया पाशी, आपकी जगह पैर लगा दिया आपने। Oh, I'm sorry. It happens sometimes like that. Gele gele come. Gele gele come. Gele 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 gele. Ladies and gentlemen, ab dekhiye aaj ka masterpiece. आज का मास्टरपीस नहीं, मास्टरपीस फॉर ऑल टाइम। इसका नाम है मुंह मांगी मुरा, दैट मींस फुलफिलमेंट ऑफ द हार्ट्स डिजायर। कोई देवी कोई जेंटलमैन के दिल की कोई भी ख्वाहिश हो आज वो पूरी कर दी जाएगी। आइए किस्मत को आजमाइए। गेले 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 आइए तशरीफ लाइए। आपका नाम? नाम मोतीलाल। मोतीलाल, आप क्या चाहते हैं? सिंगल के डबल का आइडिया। सिंगल के डबल? नहीं, डबल के चबल कर रहे हैं हम तो। हाँ, अरे वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन नहीं, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। अगर मैं इन सबको घर ले गया तो पिताजी का तो हार्ट फेल हो जाएगा, वो तो पहले ही कंजूस आदमी है। इन सबको खिलाएगा कौन? मेरे को ये भाई बहन नहीं चाहिए। अच्छी बात है। गिले गिले गो। तो और फिर क्या चाहते हैं आप? ये नोट का डबल। डबल? डबल तो नहीं, देखिए 1, 4, 6, 8, 10 ये 20 हो गए। अब देखिए यहाँ डाल। भाई साहब, ये इलीगल काम है, ये मैं नहीं करता। एक के दो नहीं बना सकता, पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस पकड़ लेगी? तो फिर आप क्या कर सकते हैं? हाँ, किस्म का डबल बना सकता हूँ। अच्छा, तो देखिए फिर। अच्छा जले जले कम। अब तो खुश हो गए? क्या खास खुश हो गए? आपको इसके दिमाग का पता नहीं है। आजकल की लड़कियां लड़कों को देख के खामखाई नखरे करती हैं। काश ये लड़का होती और मैं लड़की, फिर इसको बताता मैं। ये भी हो सकता है। देखिए, शेर की बन गई। अब देखता हूँ कौन किसको बताता है। चल हाँ
छोड़ो ना, लोग देख रहे हैं। शर्म आ रही है? अच्छा तो आ जा पीछे पीछे। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी, तुमको मेरे पीछे आना पड़ेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब इन लोगों को अपने मुंह मांगी मुराद पूरी मिल गई है। मेरा टाइम खत्म हो गया है, मुझे इजाजत दीजिए। गेले 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 गेले। अरे अरे, तो सब कुछ गायब हो गए, अब क्या होगा? अरे कहाँ हो? वैसे ही बना दो जैसे हम थे, लोग भी जा रहे हैं, अब क्या होगा? भैया ठहरो, भैया ठहरो, मैं आ रहा हूँ। आशा भैया जल्दी आओ, मुझे वापस मत बना दो। देखो ऐसा मजाक अच्छा नहीं। अरे अरे पर्दा बंद मत करो, मुझे मत करना है। अरे पर्दा बंद मत करो, मुझे वापस मत बना दो। अरे 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 ये क्या हो गया? अरे अब क्या होगा? पाशा, अरे ला हौल वला कुव्वत, वो तुम शरीफ आदमी को छेड़ता है। माफ करना, गलती हो गई। बदतमीज, पिताजी पिताजी। अरे ओ लड़की, ये क्या कर रही है तू? अरे सोच के क्या बात का बीजी है? मैं कहता हूँ ये सड़क है, छोड़ दे मुझे। ऐसे नाजुक वक्त में कैसे छोड़ू? हाँ छोड़ दे मुझे। कौन है तू? मैं अब तो बेटी ही समझिए। बेटी? अरे बेटी तो हमारे खानदान में नहीं हुई कभी भी, ये कैसे हो सकता है? हो तो नहीं सकता, मगर हो गया है। मेरी रगों में आप ही का, ओहो, आप ही का खून दौड़ रहा है पिताजी। मेरे पिताजी? ओ लड़की, क्यों मेरी आंखों में धूल झोंक रही है? ओ भाइयों देखो, ये खाना खा मेरे गले पड़ रही है, कहती है कि मैं तेरी बेटी हूँ। और क्या बेटा बोले? हंसो नहीं भाई, हंसो नहीं, घबराओ नहीं बेटी। अगर ये तुम्हें अपनी बेटी नहीं बनाना चाहते तो मैं तुझे अपने बेटे की बहू बनाऊंगा। आप कौन होते हैं जी? मैं बनाऊंगा अपना बेटे की बहू? हम क्या मर गए? बेटे की नहीं, हम अपनी बहू बनाएंगे। छोड़ वे पहलवान के बच्चे, आग लगे तेरी जवानी पर, पहाड़ गिरे तेरी पहलवानी पर। मुझे इसकी बहू नहीं बनना है, मेरी तो मंगनी हो चुकी है। पिताजी अब माला की माँ को क्या जवाब देंगे? हाँ, अरे मोती मोती, मैं ये क्या देख रहा हूँ? आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं पिताजी, को गया पाशा ने मुझे औरत और माला को मर बना दिया और गायब हो गया। माला को मर्द बना दिया? क्या हुआ पिताजी? अरे माला मर्द बन गई और तू लड़की गड़बड़ हो गई। अब मुझे दहेज लेने की बजाय देना पड़ेगा। हाँ तेरी की, अब क्या होगा? क्या रह गई है? पिताजी। ए जी, कोके पैसा का पैसा मिल गया। मिल गया कहाँ है? वो स्विमिंग पूल पर है। चलो चलो, अरे भागो भागो, चलो क्या अदरा बदरा दिए बगैर नहीं आना। ये मेरी बेटी था? नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा थी। थी वो रहा। हेलो, ओ मिस्टर पाशा, पूरी करो हमारी आशा, बहुत हो चुका तमाशा। हाँ, मैंने कहा ना मेरा टाइम खत्म हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। गले 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 गले। कुछ नहीं कर सकते तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और मैं भी। चलो। छू। अरे तुम तो लड़की बन गई, तुम भी तो आदमी बन गए। अरे हाँ, पाशा कहाँ है? गले 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 गले। बोला नमस्ते माँ जी। जीते रहो बेटा, बैठो। अब बैठने से काम नहीं चलेगा, आज तो मैं कुछ तय करके आया हूँ। अब तय ही क्या करना है? तुम्हारे पिताजी से पूछकर शादी का शुभ दिन ही निकलवाना है। मैं अपनी नहीं, प्रकाश की शादी के लिए कहने आया हूँ। हाँ क्या ही अच्छा होता अगर दोनों शादियाँ एक साथ ही हो जाती, मगर लड़की भी तो मिलनी चाहिए। वाह माँ जी, बगल में लड़की शहर में ढूंढाई, अपनी ज्योति जो है। कुछ खाकर तो नहीं आए हो तुम? खाकर? कलाकंद, बर्फी, गुलाब जामुन। मैं कहती हूँ तुम पागल तो नहीं हो गए हो?
इसकी जात पात का ठिकाना नहीं, नाम धाम का पता नहीं। माँ जी, जब वो आपके घर में आ गई तो आपकी बन गई, आपकी जात की हो गई। मेरे घर में सुबह से शाम तक 50 लोग आते, क्या वो सब मेरी जात के हो गए? जात के नहीं, पेशे के लोग आते हैं। चाहे कोई कुछ भी पेशा करे, कोई काम करे, लेकिन जात सिर्फ एक है और वो है इंसान। ये इंसानियत का सबक किसी और को सिखाना मुझे इसकी जरूरत नहीं। अरे, इसका मतलब ये है कि घंटी मेरे ही गले में बन गई। लेकिन प्रकाश का क्या होगा? मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मुझे बस प्यार का एक जाम दे दो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। बनाना है मुझे एक आशियाना, बनाना है मुझे एक आशियाना, जो तुम चाहो तो मिल जाए ठिकाना, जो तुम चाहो तो मिल जाए ठिकाना। तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ। मुझे बस प्यार का एक जाम दे दो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। पहले मोती भी यहाँ आया था। वो आया होगा माला से शादी पक्की करने, और मैं आया हूँ तोड़ने। क्यों रे साहब, ऐसी क्या बात हुई? मैं उस कुएं का पानी हरगिज नहीं पी सकता जिसमें इधर उधर से गंदी नाली आकर गिरती हो। मैं समझी नहीं। प्रकाश की माँ, तुम अंधे का ढोंग कर सकती हो मगर दुनिया अंधी नहीं। लेकिन ये तो बताइए, क्या कसूर हो गया हमसे? कसूर? एक रास्ते में पड़ी लड़की को उठाकर घर ले आई, ये कसूर नहीं। उसे प्रकाश के साथ मोहब्बत के गीत गाने के लिए आजाद कर दिया, ये कसूर नहीं। जिसकी जात पात का पता नहीं, उसे अपनी बहू बनाने का इरादा कर लिया, ये कसूर नहीं। ये सब झूठ है। बिल्कुल सच है। मैंने खुद ज्योति को प्रकाश के हाथ में हाथ डालकर घूमते देखा है, रंग रलियां मनाते देखा है। मैंने जिस बेसहारा को सहारा दिया वो मेरे ही घर में आग लगा रही है। वो कमीनी जिस कान खा रही है उसी के खाने में जहर मिला रही है। जिस खानदान ने उसकी लाज रखी उसी के मुंह पे कालिक पोत रही। नहीं, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन प्रकाश उससे शादी करना चाहता है। ये गलत है, मेरे लड़के ने मुझसे ये कभी नहीं कहा। हाँ, तुम्हारा लड़का कहता है वो ये चाहता है, उसे ऊंच नीच जात पात किसी बात का ख्याल नहीं। लेकिन उसके बाप को तो है। नमस्ते माँ जी, माँ जी को नमस्ते करो। माँ जी, राम राम। मोती, ये
कौन चंडाल है? बेचारा सड़क साफ क्या करता था, म्युनिसिपैलिटी ने इसे नौकरी से निकाल दिया। अब तुम इसे सीधे यहाँ ले आए हो? हाँ। निकल जाओ यहाँ से। ये तो ऐसे आ गया जैसे ये मकान इसके बाप का है, सारा घर अपवित्र कर दिया है। राम राम राम। माँ जी आप तो भिन्नी के झूठे बेर खाने वाले राम की मानने वाली है। तो क्या मैं तेरे झूठे बेर खा लू? चलता हूँ यहाँ से। मुझ पर दया करो माँ जी, मैं आपका आंगन साफ करता रहूंगा। माँ जी मैं तो आपकी बच्ची की तरह हूँ, आपका बेटा हूँ। मेरा बेटा और तू, तेरी ये मजा, निकल। कौन? प्रकाश। प्रकाश तुम मेरी बेटी? मेरी बेटी तेरी चूर तो नहीं आई? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। क्यों माँ जी, अपने बेटे को देखते ही हाथ से सोटी गिर गई। अगर इसी तरह हर इंसान को इंसान समझा जाए तो ये ऊंच नीच जात पात का भेद बिल्कुल खत्म हो जाए और बिचारी ज्योति की प्रकाश से शादी हो जाए। सुन लिया आपने, ये मेरा बेटा ही आपका बेटा कह रहा है। ज्योति को बहू बनाकर मैं अपना धर्म नहीं बिगाड़ूंगी। ज्योति को अपनाने से धर्म नहीं बिगड़ेगा माँ, धर्म बिगड़ेगा उसको ठुकराने से। इस जात पात की छुरी ने हमेशा धर्म का गला काटा है, इंसान को इंसान से नफरत करना सिखाया है। तुम अछूत अछूत कहकर इंसान को ठुकराते हो और भिल्ली के झूठे बेर खाने वाले राम की पूजा करते हो। क्या हक है तुम्हें भगवान राम की पूजा करने का? गीता का पाठ करते हो पर उसके सिद्धांतों को नहीं मानते। क्या अर्थ है ऐसे गीता पाठ का? हरिजनों को गले लगाने वाले महात्मा गांधी की मूर्ति अपने घर में रखते हो और उनके बताए हुए रास्ते से दूर भागते हो। क्या अधिकार है तुम्हें इस मूर्ति को घर में रखने का? उठाओ इस मूर्ति को, हटा दो इन चित्रों को, बंद कर दो ऐसे दिखावटी पूजा पाठ को। यहां इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। भाई वाह, ये लड़का सबका मुंह बंद कर गया। मुंह बंद कर गया लेकिन आंखें खोल गया। राय साहब, मैं तो अपनी बच्ची की शादी ज्योति से ही करूंगी। पिताजी मेरी शादी की बात कर डालिए ना। तुम पहले जहेज की बात कर डालना। मैं कह चुका हूँ मुझे जहेज नहीं चाहिए। कौन जहेज मांगता है? बोल, कोई अड़गड़ा सुन लेगा तो हम का लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आप भी क्यों जहेज की बात करते हैं? अच्छा नहीं करता, नहीं करता मगर। दीवाना था दिल तेरा, परवाना था दिल, कर दिया तुझ पे सदके तेरा नजराना था दिल। दिल का अफसाना कह के प्यार के
मस्ताने प्यार के मंदिर को अपनी कर दी दीवाने प्यार के हाथों में हाथ होठों पे अफसाने प्यार के मंदिर को अपनी कर दी दीवाने प्यार के कार्ड हम दोनों की शादी का एक ही कार्ड छपवा लिया है। यार तुम कार्ड छपा कर अब ला रहे हो और शादी के लिए सिर्फ 7 दिन बाकी है। सिर्फ 7 दिन? यार ये दिन कुछ लंबे नहीं हो गए? क्या मतलब? मतलब ये कि एक एक दिन एक एक महीने के बराबर लग रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। नमस्ते, मुझे प्रकाश बाबू से मिलना है। कहिए क्या काम है? मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश बाबू, ये क्या कर रहे हो? कुर्सी पर बैठो। प्रकाश बाबू, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरी बहन को अपने घर में सहारा देकर बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा उपकार प्रकाश बाबू, वरना मेरी बहन कहीं की न रहती। बहन? आप ज्योति के भाई हैं? जी हाँ, मैं उसका सगा भाई हूँ, चमनलाल। चमन भैया, ज्योति को आए हुए 3 महीने हो गए, अभी तक कहाँ सो रहे थे आप? आप सच कहते हैं, मैं जागते हुए भी सो रहा था, दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से दूर था। आंखें बीमार औरत के मुरझाए हुए चेहरे की तरफ देखा करते और दिल बनारस से दूर कलकत्ते में ज्योति के लिए परेशान रहता। अभी आशोस हुए घरवाली को खोकर बनारस पहुंचा तो मालूम हुआ बहन भी खो गई। धीरज रखिए, ज्योति खुश है। हाँ, वो अपनी पिछली जिंदगी बिल्कुल भूल चुकी है। मुझे मालूम है प्रकाश बाबू, अब वो मुझे नहीं पहचानेगी। फिर भी आपने मुझको और मेरी बहन को डूबने से बचा लिया प्रकाश बाबू। चमन भैया, मेरा नाम मोती है और मैंने ज्योति को मुंह बोली बहन कहा है, इसी नाते से उसकी शादी इनके साथ पक्की कर दी है। ये देखो शादी के कार्ड। आप कौन होते हैं जी ज्योति की शादी पक्की करने वाले? मैं उसकी शादी पहले ही पक्की कर चुका हूँ। वो तुम्हारी बहन नहीं, मेरी बहन है। मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप लोगों ने ये एहसान के लिए नहीं, मतलब के लिए किया। मैं अभी लेकर जाऊंगा अपनी बहन को। बैठिए। मैं 1 मिनट नहीं बैठ सकता। बुलाइए ज्योति को। बुलाइए ना ज्योति को। बुलाता हूँ, आप बैठिए तो सही। बैठिए। चमनलाल जी, हम ज्योति को मतलब के लिए नहीं, उसके सुख के लिए लाए थे, मगर आज वो हमारा सुख बन गई है, इस घर की शोभा बन गई है। आपको हक क्या था उसे अपने घर की शोभा बनाने का? आ रही है ज्योति, वो आ गई। ज्योति, मेरी बहन। मेरी बहन से बाद में मिलना बे, पहले अपने बहनों से मिल ले। क्यों? मोती, तूने हूँ पहचाना इस बदमाश को? ओट ओट ओट, जल्दी से उठ जा। ये वो दुनिया क्यों आया था? क्यों दुनिया चल रहा? ये ऐसे नहीं बताएगा। अरे बताता हूँ, मुझे कैलाश ने भेजा था। कैलाश ने राइट अबाउट टर्न। अब इधर घूम, इंग्लिश नहीं समझता है। कैलाश ने तुझे भेजा था, बदमाश कहीं के। अरे जरा मुझे अपने हाथ की खुजली मिटा लें दे, सीधा हो बे। अरे मोती, ये क्या हो रहा है? माँ, ये बदमाश ज्योति को उड़ाने आया है। बोल ज्योति, तेरी बहन। मत मारो प्रकाश, मुझे बता लिए। अबे बचाऊंगा कैसे तुझे, तो पुलिस में दूंगा मैं। नहीं नहीं,
छोड़ दो इसे, अभी इसे काफी सजा मिल चुकी। छोड़ दो, जाने दो उसे। छोड़ दो। अबे जूते तो ले जा अपने, ये भी ले। बेटे क्या पूछ रहा था? ये पूछ रहा था कि घी ज्यादा नुकसान हो रहा है, देखिए ना कितना घी जल गया, जल्दी पटाओ बोल रहा था। नादान है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। अरे ये 10 के नोट कहाँ आ गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। नमस्ते पिताजी। 15, 15। बुला दिया। अरे तेरा सत्यानाश हो, जब भी नोट गिनने लगता हूँ तबके की तरह आटा पकता है, क्या है जी? वो आपको मालूम पिताजी, ज्योति और प्रकाश चले गए। कहाँ चले गए? हनीमून। हनीमून? जिसकी भी शादी होती है वो हनीमून को चल देता है। अरे बेटे ये हनीमून है कहाँ? है कहाँ? वहाँ जहाँ मून से हनी आता है, चांद से शहर, लेकिन सिर्फ नए शादीशुदा जोड़े के लिए। अबे क्यों मुझे बनाता है? चांद से शहर कैसे आ सकता है? ना तो अभी वहाँ रूस वाले पहुँचे हैं और ना अमेरिका वाले। पिताजी पूनम की रात को खुद ब खुद चांद से शहर टपकता है। फूल में शहद, पत्ती में शहद, मक्खी में शहद, बस शहद ही शहद। बहुत सस्ता मिलता है पिताजी, 1 रुपया किलो। आए 1 रुपया किलो, यहाँ 20 रुपए किलो, वहाँ 1 रुपया, अरे इतना फर्क। हाँ पिताजी, मैं आपके लिए 2-1 बोतल ले आऊंगा, लाइए पैसे। अरे 2-1 क्यों, 1000-2000 बोतल लेकर आओ, शहद की दुकान खोल लेंगे, धनपत राय एंड संस शहद वाले। धनपत राय एंड संस नहीं पिताजी, धनपत राय एंड सन हनी मर्चेंट। हनी मर्चेंट, हाँ ठीक है, अंग्रेजी का रोग ज्यादा पड़ता है। ये ले पैसे, ये ले। हाँ। इतने? अरे बाबा तिजोरी में से और देता हूँ, जल्दी वहाँ पहुँच जा, तेरे से पहले कोई दूसरा ना पहुँच जाए, धड़ाधड़ शादियाँ हो रही हैं। मैं भी धड़ाधड़ गिन रहा हूँ, चलो चलो। ओह पैसे की गलत में तुम्हें भूल ही गया, चलो 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 चलो। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। कसम हाय इन प्यार में डूबी हुई आंखों की कसम, आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम, आदमी क्या है फरिश्तों के बहक जाए कदम। बिन भी है मुझ पे नशा छाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। हुस्न से चांद भी शर्माया है,
तेरी सूरत ने गजब ढाया है। मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें आई, मुस्कुराए जो तेरे लब तो बहारें आई, खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां पर छाई, खिल गए फूल पड़ी तेरी जहां पर छाई, तूने गुलशन मेरा महकाया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है, हुस्न से चांद भी शर्माया है, तेरी सूरत ने गजब ढाया है। पिताजी, प्रकाश क्या लड़का हुआ? बहुत खुशी की बात है पिताजी, आपके लिए माताजी ने मिठाई भेजी है। मिठाई? ये तुम्हारी माँ मेरा बड़ा ख्याल रखती है। आज शाम का खाना बच गया। पिताजी, माला बच्चे को 2 तोले सोने की चेन देना चाहती है। तोले की चेन देना चाहती है? अरे बेटी, बच्चे को कौन से दरबार में जाना है सोने की चेन पहनकर? बाजार से 2 पैसे का काला धागा खरीद कर उसके गले में बांध दो, नजर से भी बचा रहेगा। मैं अपने भतीजे को 2 तोले की चेन भी नहीं दे सकती। मोती, ये औरत जात बड़ी बेअकल होती है। बेटा, बहू को अच्छी तरह समझा दे कि आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। मैं बच्चे के लिए 2-4 खिलौने ले आऊंगा, वो दे दे। पिताजी, आप नहीं जानते कि 2 तोले के बदले 20 तोले सोना मिलेगा। वो कैसे? देखिए ना, हमारे घर बच्चा पैदा होगा तो माला की माँ 20 तोले सोना देगी। ओ, सौदा तो अच्छा है, 10 गुना फायदा। हे भगवान, इन दोनों की शादी एक ही दिन हुई थी, उधर तो तूने बच्चा दे दिया, इधर अभी तक नहीं। कृपा करो, निकालो 5 रुपए। लड़का हुआ ना, लड़की तो नहीं हुई, तुम शायद हार गए। हम लोग अंदर आ सकते हैं? ओ मोती, क्यों भाई, हमसे पहले मैदान मार दिया? अरे वाह, बच्चा बहुत खूबसूरत है। भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा बच्चा आदमी की शक्ल का होगा। क्या मैं तुम्हें आदमी नहीं लगता हूँ? आदमी तो जरूर हो, लेकिन हरकतें बन मानस जैसी हैं, क्यों भाभी? अरे भाई, निकालो चेन। हाँ भाभी, पिताजी ने चेन बच्चे के लिए दी है। अरे वाह, बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। दिल दिखाने के लिए हम लोगों ने उनको क्या क्या सब्ज बाग दिखाया, तुमको क्या पता? हाँ। अरे भाई, डब्बे दे दो ना, कमाल करती हूँ। माला, तुम लोग कब आए? अभी आए माँ। जरा हटो तो, बच्चों को टीका लगाऊंगी। टीका क्यों? बुरी नजर से बचा रहे हैं। तो फिर लगे हाथ मुझे भी लगा डाली है। तुम्हें? इसलिए कि ये मुझे बहुत घूर घूर के देखती है। तो फिर मुझे भी लगा दीजिए माँ, ये भी मुझे बहुत घूर घूर के देखती है। हटो भी। मुझे तो अरे ये तो चुप हो गया। क्यों रे, मैं कौन से कांटे चुभ रहा था और इसने कौन से फूल बरसा दिए? माँ हमेशा बच्चे पर ममता के फूल बरसाती है। माँ की गोद में ही बच्चे को सुख और चैन मिलता है। तू भी जब छोटा था तो मेरे सिवाय और किसी के पास नहीं रहता था। माँ, मैं तो अब भी तुम्हारे पास हूँ।
खा रही थी राजू। चलो अब हम आँख में चोले खेले। आँख में चोले? माँ आप पकड़ो। कहाँ चला गया? मैंने बिटिया पकड़ लिया। छोड़ मुझे। कभी नहीं। मैं कहती हूँ छोड़ दो। पापा, पापा आप पकड़ा गए, अभी आप पट्टी बांधिए। अच्छा, ओके बॉय, I'll do it. बेईमान कहीं के। बीबी जी खाना तैयार है, माँ जी बुला रही। चलिए बीबी जी खाना खा लीजिए। बहू इतना अच्छा खाना बनाती है कि मैं ज्यादा खा जाता हूँ। ये तो अच्छी बात है पिताजी। अरे कहाँ अच्छी बात है, चार रोटी की जगह आठ खा जाता हूँ और फिर हजम करने के लिए ऊपर से चूरन खाना पड़ता है, डबल खर्चा हो जाता है भाई। बहू तू महीने में 10 दिन अच्छा खाना बनाया कर और 20 दिन बुरा। बहू मेरे लिए गलती माला, मेरे लिए तो 300 दिन ऐसे ही खाना बनाना बिल्कुल अच्छा। अरे अच्छा खाना खाना है तो अपने ससुराल जाकर खाया कर। ससुराल में तो खाऊंगा लेकिन सिर्फ कल, और आप भी। मैं भी, ए बस रहने दे बहू रहने दे, अगर यहाँ पेट भर लिया तो वहाँ क्या खाऊंगा। लेकिन दावत तो कल दोपहर की है पिताजी। कल दोपहर की है, ये तो और भी अच्छी बात है। 3 वक्त का खाना बच गया, आज शाम का, कल दोपहर का और उसके बाद कल शाम का। मगर ये तो तुम लोगों ने बताया नहीं कि ये दावत किस खुशी में है। प्रकाश का लड़का 3 साल का हो गया है, कल उसकी सालगिरह है। प्रकाश का लड़का 3 साल का हो गया और तेरे अभी मट्टी का बच्चा तक भी नहीं हुआ। ये तो और भी अच्छा है पिताजी। क्या अच्छा है? बच्चे की खुशी में दावत जो देनी पड़ती। अरे वो बाद में देखा जाता, दावत देना को जरूरी थोड़ी है। तुम्हारी सास बिना दावत आती और 20 तोले सोना देती और उसके बाद हर साल कुछ ना कुछ मिलता रहता, कभी मोती कभी पन्ना कभी हीरा। वो तो ठीक है, कल माला भी बच्चे को हीरे की अंगूठी देना चाहती है। मर गया। क्या कहा, हीरे की अंगूठी? जी हाँ पिताजी, छोटी सी। अरे बहू अंगूठी छोटी हो या बड़ी, हीरा तो होगा ही ना। आ देख मैं तुम्हें अष्टधात की अंगूठी ला देता हूँ, भूत व्याधा सब से बचा रहेगा बच्चा। क्या मेरी जरा सी भी बात मानी नहीं जाएगी? कोई अधिकार नहीं मेरे इस घर में। ठीक है कुछ नहीं दूंगी, जाऊंगी भी नहीं वहाँ। अरे मोती जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, याद रखो तुम यहाँ बीवी ऐसे ही रहे ना, हीरे वीरे बांटते। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेल तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। Thank you.
बिना रोटी की फिकर। कितनी प्यारी होती है ये भोली सी उम्र, ना नौकरी की चिंता ना रोटी की फिकर। नन्हे मुन्ने होते हम तो देते सहुकर, पीछे पीछे डैडी मम्मी बनके नौकर। चॉकलेट बिस्किट टॉफी खाते और पीते दूध, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बच्चे होते हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे कैसे नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते करते नाक में दम। कैसे कैसे नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते करते नाक में दम। अक्कड़ बक्कड़ लुक्का छुपी कभी छुआ छू, करते दिन भर हल्ला गुल्ला दंगा और दम। और कभी जिद पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बचपन माँ से झगड़ा, बाप से टक्कर, बीवी से अनबन, अब तो है ये हाल के जब से बीता बचपन, माँ से झगड़ा बाप से टक्कर बीवी से अनबन। कोलू के हम बैल बने हैं धोबी के गधे, दुनिया भर के डंडे सर पे खाए धना धन। बचपन अपना होता तो ना करते ढेंचू ढेंचू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। माला क्यों नहीं नजर आ रही? नजर आने के लिए होना जरूरी है, अब आई हो तो नजर आए। हाँ सच, क्यों नहीं आए माला? माताजी आप तो जानती हैं कि अपने घर में कंजूसी एक गज तो गुस्सा नौ गज। प्रेजेंट के लिए सुसर और बहू में कुछ हो गई खटपट, इसलिए बाबू मोतीलाल जी अकेले ही आ गए चटपट। हेलो हेलो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। राजा की सालगिरह और माला नहीं आए, मैं उसे लेने जाती हूँ। माँ मैं भी आऊंगा। नहीं बेटा, तुम माँ जी के पास रहो, चलो। नहीं माँ, मैं तुम्हारे बिगड़ नहीं रह सकता। देखो बेटा, ये सारे बेटे तुम्हारे साथ खेलने आए हैं ना। हाँ, और तुम इन सबको छोड़ कर जाओगे क्या? फिर मेरे लिए खिलौना लाना। हाँ हाँ बेटा, जरूर, चलो आओ बेटा। बात तो सुन बेटा, देखो तुम वहाँ नहीं जाओगी तो लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी माँ क्या कहेगी? आप तो कुछ नहीं कहेंगे, अष्टाध की अंगूठी भी बच जाएगी आपकी। देखो बहू, मैं जो कुछ भी सोचता हूँ या कहता हूँ
तुम दोनों के भले के लिए तुम हीरे की अंगूठी दो या मोती की लड़ी, मेरे बाप का क्या जाता है, मेरा सब कुछ तुम लोगों का ही है। चल बेटा तैयार हो जा, बाजार से अंगूठी खरीदने में देर लगेगी, तैयार हो जा बेटा। क्या हुआ? कुछ पता नहीं दीदी जी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। स्टार्ट नहीं हो रही? जी हाँ। अच्छा जब ठीक हो जाए तो घर ले आना, मैं इंतजार नहीं कर सकती, मैं टैक्सी लेकर चली जाती हूँ। खिलौने ले लो, अच्छे बढ़िया खिलौने। दीदी जी गुड़िया लीजिए। मुझे गुड़िया नहीं गुड्डा चाहिए, हमारा लड़का है लड़की नहीं। तो ये लीजिए 5 रुपये। बच गई बेचारी, अल्लाह की मर्जी है, ये तो ठीक है, बचने वाला तो बच ही जाता है। दीदी जी ये आपका गुड्डा। मेरा गुड्डा? हाँ आपने अपने बच्चे के लिए लिया था ना। मेरा कोई बच्चा नहीं। बाजार से लेकर थे बच्चे के लिए अंगूठी खरीदने। बड़ा लेट धन्यवाद। लेकिन ज्योति कहाँ है? भाभी मुझे नहीं मालूम है, वो तो तुझे देखने गई थी। एक घंटा हो गया। एक घंटा हो गया मगर हमारे हाथ तो नहीं आई, तो फिर कहाँ गई? बड़ी देर हो गई, जरूर कुछ बात होगी, तुम जाके देखना बेटा। अच्छा माँ मैं भी चलता हूँ, ढूंढ के लाओ। उनको गए तो बहुत देर हो गई, उन्होंने कहा कि मैं टैक्सी से चली जाती हूँ और तुम गाड़ी ठीक करके घर पे लाओ। लेकिन फिर गई कहाँ? चलो ना हो गया हो। घबराने कोई बात नहीं, हमने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, जरूर पता चल जाएगा। पापा मैं कब आई? चलो राजा सो जाओ। मांगे भाई जंगल, मांगे भाई जंगल। अब तुम सो जाना राजा, जब माँ आएगी तो उसके पास सोना है। कहाँ मेरी माँ, कब आएगी? वो सुबह होने पर आएगी। हाँ बेटा अभी कैसे आएगी,
देखो ना कितना अंधेरा हो गया है। सुबह ही सुबह जगा दिया है? सुबह नहीं साहब, 12 बज रहे हैं। 12 12 बज गए हैं, शाम तो नहीं हो गई? क्या ये आपका एक्सप्रेस लेटर है? चमनलाल की चिट्ठी, देखें क्या बकता है। अगर प्रकाश से बदला लेना है तो फौरन पूना चले आओ, मैंने यहाँ ज्योति को देखा है। ज्योति पूना पहुंच गई, वेरी गुड। किसका खत है बेटा? पूना से रमेश का खत आया है माँ, उसके भाई की शादी है, मुझे बुलाया है। तो चला जा बेटा, तेरा दिल बह जाएगा, रमेश का मन रह जाएगा। कैसे जाऊं मैं इसे छोड़कर? एक तो इसे छोड़कर न जाने कहां खो गई है, और फिर अगर मैं भी चला जाऊं तो इसका क्या हाल होगा? भैया तुम राजा की फिक्र मत करो, यहां मैं हूं, माँ है, तुम जरूर जाओ, शायद वहां भाभी भी मिल जाए। मुबारक हो भाई रमेश, तुमने बड़े भाई का सही फर्ज अदा किया है, और सुना है तुमने दिनेश के लिए लड़की भी लाखों में एक ही ढूंढी है। कहते हैं जैसे गुण है वैसा रूप भी है। अब आपकी कृपा है, आइए अंदर आइए। रमेश भैया, प्रकाश, बड़े मौके से आए थे। भाई मैं तो बिल्कुल निराश हो चुका था, न कोई खत दिया न तार, इतना वक्त ही नहीं था। किसके साथ हो रही दिनेश की शादी? यही पूना की लड़की, बहुत अच्छी है। अच्छा, इतनी सुशील और सुंदर है कि बस देखोगे तो खुश हो जाओगे। सुबह मैं भी आया है। जी ने शुक्रिया। अम्मा खाओ भी, खुशी के मौके पे इनकार नहीं करते। बड़े भैया हम भाभी का मुंह देखना चाहते, वो लोग देखने ही नहीं देते। मुंह नहीं देखने देते? जी हाँ, जरा चल कर कह दीजिए। अच्छा। आओ भाई प्रकाश आओ। रमेश बाबू, ये हमारी नीत के खिलाफ है, मेरे हो जाने दीजिए, फिर लड़की आपकी है, चाहे घूंघट रखिए चाहे निकाल दीजिए। पंडित जी फेरों के लिए क्या देर है? कुछ भी देर नहीं है, आप लोग खड़े हो जाइए। अब आप लोग बैठ जाइए। और क्या निकला?
आप सब यहाँ बैठे और ऊपर इंतजार हो रहा है। चलो 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 I'm not afraid to die.
मैं इसकी जान ले लूंगा। क्या बेवकूफी है, आओ मेरे साथ। कैसा मारा लाला मुलचंद, बिल्कुल पागल सा हो गया। चलो बेला। इतना क्या हो गया प्रकाश, सारी महफिल का रंग बिगाड़ दिया। हमारे नाचने वालियों के साथ तो ऐसा होता ही रहता है। तुमने तो उस आदमी को ऐसे मारा जैसे वो लड़की तुम्हारी पत्नी हो। वो मेरी पत्नी है। पत्नी? किसका तारे माला? भैया का। हमें फौरन पूना बुलाया है, ज्योति भाभी मिल गई है। माँ है, चल बेटी। तूने ये तो तार दिया कि ज्योति मिल गई, लेकिन ये नहीं लिखा कि एक नाचने वाली मिली है। ये नहीं बताया कि अब ज्योति ज्योति नहीं, बेला है। मेरी नजरों में वो ज्योति ही है माँ, तुम्हारी बहू है, मेरी पत्नी है, राजा की माँ है। लेकिन दुनिया की नजरों में क्या है? जब आदमी बदल जाता है तो दुनिया की नजर भी बदल जाती है माँ। इंसान को गिराता भी इंसान है और उठाता भी इंसान। दुनिया ने उसे ज्योति माना है, तुमने उसे बहू कहा है। क्या तुम ये सुन सकती हो कि तुम्हारी बहू कोठे पर नाचती है? मैं ये नहीं सुन सकता माँ, मैं ये नहीं सह सकता। प्रकाश! माँ, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं उसे अपनाऊंगा, उसे घर ले आऊंगा। तुम्हारी बहू कोठे पर नहीं बैठ सकती, राजा की माँ गैरों के सामने नहीं नाच सकती। मेरी मोहब्बत बाजार में नहीं बिक सकती माँ, नहीं बिक सकती। तुमने मुझे पहचाना? मैं और आपको ना पहचान? आपने तो पहली ही मुलाकात में मुझे दीवाना बना दिया। क्या हंगामा मचाया मेरी खातिर, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है। बहुत अच्छा। फरमाइए। कल उस आदमी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और आपने भी उसको ऐसा मारा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। जानती हो क्यों? जानती हूं। जानती हो? क्या जानती हो? यही कि आपकी मुझ पर नजरें इनायत है, आप मुझे चाहते हैं। हाँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ, दिलो जान से चाहता हूँ। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ क्योंकि क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी? हाँ, मैंने तुम्हें 4 साल पहले चंदन नगर में देखा था, तुमसे प्रेम किया, शादी की। तुम 4 साल तक मेरी जीवन संगनी बनके रही। तुमने एक बच्चे को जन्म दिया और उसकी 3री सालगिरह के दिन एकाएक गायब हो गई। तुम बेला नहीं, ज्योति हो। माफ कीजिए, एक साहब आपसे मिलने आए हैं, कहते हैं बहुत जरूरी काम है। मैं अभी आई। कैलाश बाबू? यही है वो, यही। आपने पता चला ही लिया। क्यों रे कमीनी, तुझे यहां रहते हुए शर्म नहीं आई? क्या मतलब? मतलब ये कि ये शरीफों के रहने की जगह नहीं। अगर तुम मुझसे तंग आ चुकी थी तो जहर खा लेती, फांसी लगा लेती, डूब मरती। मगर तूने ये मेरी इज्जत के साथ खूब खेल खेला है। जी चाहता है कि तुझे जान से मार दूं। चुप रहो बदतमीज, तुम पागल तो नहीं हो? तुम होते कौन हो मुझसे ऐसी बातें करने वाले? मैं कौन होता हूँ? मैं मुझे नहीं पहचानती, अपने पति को नहीं पहचानती। पति? हाँ हाँ, तेरा पति, तुझसे ब्याह हुआ है मेरा, चमन जानता है, चंद्रनगर का बच्चा बच्चा जानता है कि तू मेरी पत्नी और मैं तेरा पति, समझी? तुम यहाँ आइए, आइए, मैं आपको अपने दूसरे पति से मिलाऊं। दूसरा पति? जी हाँ, दूसरा पति।
न जाने चंदन नगर में मैंने कितने लोगों से शादी कर ली थी। आप कहते हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ और ये कहते हैं कि मैं इनकी पत्नी हूँ। बेहतर है कि पहले आप दोनों आपस में फैसला कर लें। बदमाश, तू बाज नहीं आएगा। से कह देना कि मैं राजा को ले गया हूं। आप माला दीदी के घर वाले आए? ठीक है, मैं उनसे बाद में मिलूंगा। प्रकाश की माँ, अगर आपने ज्योति को अपनाया तो फिर धनपत राय के घर में आपकी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे ऐसे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रखने का। इसका मतलब ये पिताजी के मुझे इसको तलाक देना पड़ेगा। मैं तलाक नहीं लूंगी, मैं खर्चा लूंगी, जिंदगी भर खर्चा लूंगी। तुम क्या समझती हो, हमारे पिताजी खर्चा नहीं दे सकते? 1,000, 2,000, 5,000, 10,000। अरे ओ भाई, बढ़ता ही चला जा रहा है, तेरे बाप का माल है क्या? मैं एक पैसा नहीं दूंगा। तो फिर इस तरह इससे पिंड नहीं छूटने वाला, या तो पैसे देना पड़ेंगे या घर में रखना पड़ेगा। क्यों नहीं, घर में रखेंगे, जरूर रखेंगे। मेरी बहू है। तुम्हारे ब्याह पर कितना पैसा खर्च किया था मैंने, अच्छे खानदान किया, देवी है देवी। हालात और ख्यालात देवी और राक्षसी बनाते हैं पिताजी। जरा विचार बदले के डाकू साधु, साधु डाकू। तो पढ़ी तो है आपने वाल्मीकि कथा? मोती, कभी कभी तू बड़े पति की बात करता है। माँ जी, पिताजी मान गए तो बस ये समझिए कि सारा जग मान गया। अब ज्योति को अपने घर में आने में कोई रुकावट नहीं। माफ कीजिए, चंपाबाई का हुक्म है बिना इजाजत अंदर कोई नहीं आ सकता। आप तशरीफ रखिए, मैं खबर कर देता हूं। Thank you.
आगे हो रहा था और इसने कौन से फूल बरसा दिया? माँ हमेशा बच्चे पर ममता के फूल बरसाती है। माँ की गोद में ही बच्चे को सुख हो जाएंगे। आपने अपने बच्चे के लिए लिया था ना? मेरे को बच्चा नहीं। माँ, माँ, राजा, मेरा राजा बेटा, मेरा लाल, मेरा मुन्ना, अभी मेरा बच्चा है चाची, प्रकाश मेरे पति हैं, मैं अपने घर जा रही हूँ। यही है तेरा घर, इस घर में आए हुए कदम बाहर नहीं जा सकते। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती चाची, यहाँ मेरा दम घुटता है। ये घर नहीं, कारखाना है। बेला, ये वही घर है जिसके बाहर खड़ी तू आंसू बहा रही थी, रोटी के एक एक टुकड़े के लिए मोहताज थी। तेरे आला खानदान वाले रिश्तेदार तुझे बोझ समझ कर अकेला छोड़ गए थे। नन्ही सी मासूम बच्ची पर भी उन्हें रहम नहीं आया था। तुझे ये भी मालूम नहीं था कि तू कहां से आई है और कहां जाएगी। मैं तरस खाकर तुझे इस घर में लाई, तुझे बोलना सिखाया, गाना नाचना सिखाया। और मैंने भी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके इस स्थान का बदला चुका दिया है, अपनी आवाज बेचकर आपकी तिजोरी भर दी है। अब मैं अपने बच्चे के साथ जा रही हूँ, अपने पति के पास जा रही हूँ, अपने मुंह पर लगी एक कालक पोंछने जा रही हूँ। ये क्यों नहीं कहती कि अपने मुंह की कालक इस बच्चे के मुंह पर लगाने जा रही हूँ, अपनी सास को बदनाम करने जा रही हूँ, अपने पति की इज्जत लूटने जा रही हूँ। जिसे तू अपना पति कहती है, क्या वो अपना सर ऊंचा उठा सकेगा? क्या वो खानदानी लोगों के सामने खड़ा होकर कह सकेगा कि कोठे पर नाचने वाली वैशा मेरी बीवी है? चाची, क्या ये तेरा बच्चा खानदानी बच्चों में शरीक हो सकेगा? जब ये स्कूल जाएगा तो मास्टर इसे देखकर मुंह बनाएंगे, सब बच्चे हंसी उड़ाएंगे, साथ कोई नहीं बैठेगा, शर्म से गर्दन झुक जाएगी इसकी। मुंह बंद करो चाची। मैं अपना मुंह बंद कर सकती हूँ, लेकिन दुनिया का मुंह बंद कैसे होगा जब ये तेरा बच्चा बड़ा होगा? क्या जगह होगी इसकी समाज में? ये पढ़ नहीं सकेगा, लिख नहीं सकेगा, लोग इसे नाचने गाने वाली का बेटा कहेंगे, वैश्या का खून कहेंगे, तेरा पेशा उम्र भर इसका पीछा करता रहेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा इसका वहां। बस एक ही जगह रह जाएगी इसके लिए, कोठा। हार कर इसे यहीं आना पड़ेगा और तबला सारंगी बजाकर अपनी तमाम जिंदगी काट देनी पड़ेगी। क्या खूब मजाक है, मां बने महलों की रानी और बेटा कोठे का तबलिया। मां बने महलों की रानी और बेटा कोठे का तबलिया। माँ बने महलों की रानी और बेटा कोठे का तबलिया। माँ बने महलों की रानी और बेटा कोठे का तबलिया। पापा के साथ घर चले जाओ, वो तुम्हें बहुत सारे खिलौने ले देंगे। मुझे खिलौने नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। माँ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नहीं माँ,
तुम ही मेरी माँ। बेटा तुम मुझे अपनी माँ मत कहो। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो क्या वो तुमसे अलग रह सकती थी? वो मर गई है। चलो अब चुपचाप घर जा। चलो नहीं मैं मुझे वापस लेकर जाओ, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मैं बच्चा ले जाइए, ये शायद गलती से मुझे अपनी मां समझ रहा है, मैं इसकी मां नहीं हूं। ज्योति क्या सचमुच तुमने राजा को नहीं पहचाना? क्या तुम अपने दिल पर हाथ रखकर कह सकती हो कि राजा तुम्हारा बेटा नहीं, तुम्हारा खून नहीं, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा नहीं? आप भी गलती कर रहे हैं। हो सकता है इसकी मां की शक्ल मुझसे मिलती हो, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि अगर वो नहीं है तो मैं उसकी जगह ले लूं। मां बन जाऊंगी, मां का दिल कहां से लाऊंगी? तुम कितनी बदल गई हो ज्योति। मैंने सोचा था कि राजा को देखकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा, तुम होश में आ जाओगी, मगर नहीं, तुम पर कोई असर ना हुआ, बच्चे की पुकार भी तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंची। अब मैं समझूंगा कि दुनिया से प्यार मिट गया है, ममता उठ गई है। चलो राजा, अब हमारे लिए यहां कुछ नहीं बचा है। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं मां के पास रहूंगा। मान जाओ बेटा, जिद ना करो, तुम तो बड़े प्यारे बच्चे हो ना। चलो राजू। तुम वहां जाओगी? हाँ, वहां तो लोग रात के अंधेरे मेरी मूंछ पकड़ जाते हैं। वो जाते हैं मुंह काला करने के लिए, मैं जा रही हूँ ज्योति का मुंह उजला करने के लिए। ज्योति, मेरी बहू, मुझे देखकर सहम क्यों गई? इसलिए कि तूने मुझे पहचान लिया? किसको पहचान लिया बुढ़िया? ये बुढ़ों को नहीं, जवानों को पहचानती है।
देखिए आपको धोखा हुआ है, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चली जाएं। सुन लिया? कुछ और भी सुनने का अरमान हो तो वो भी निकाल लो। क्या बात है ज्योति, इस नर्क की कौन सी चीज ने तुझे मोह लिया है? क्यों तू अपने पति को भूल गई, अपनी सास से मुंह मोड़ लिया, अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़ दिया? किस चीज की कमी है तुझे मेरे घर में ज्योति? प्रकाश ने तुझे नई जिंदगी दी, राजा ने तेरे स्त्री जीवन को सफल बना दिया, मैं अपनी आन छोड़कर तेरी शान बढ़ाने आई हूं। चल इस नरक से बाहर चल। माफ कीजिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। आपने मुझे पहचानने में गलती की है। सचमुच मैंने तुझे पहचानने में गलती की, मेरे बेटे ने तुझे अपनी पत्नी बना के बड़ी भूल की। नरक का कीड़ा नरक में रहना चाहता है, काश राजा ने तेरे पेट से जन्म नहीं लिया होता। औलाद को माँ का गला घुटते हुए सुना है, लेकिन किसी माँ को अपने बच्चे की जान लेते हुए नहीं सुना। माँ नहीं, दैन है, राक्षसी है, स्त्री जाति के लिए कलंक है। अपने मासूम बच्चे पर तरस खा, वो तेरे बिना गुनगुन के मर जाएगा। राजा यहाँ आया क्या? राजा नहीं तो क्यों, क्या हुआ? उसका कहीं पता नहीं चल रहा मां। कहाँ है राजा? दिया मेरे बेटे को, कहाँ है मेरा बच्चा? तुम बता दे, क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं? घबरा नहीं, मिल जाएगा राजा। कैसे मिलेगा? कब पहुंचेंगे माँ के पास? अभी 5 मिनट में। माँ तुम और ज्योति घर चली जाओ, शायद राजा आ जाए। मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ। मैं आपके साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं घर जाती हूँ। सुनो, राजू का पता मिल गया, आ जाओ मेरे साथ। चिट्ठी ठीक तरह पहुंचा दी? जी हाँ। फिर तो प्रकाश आता ही होगा। बच्चे को छुपा दिया? जी। लेकिन बच्चे को उठा लाने से आपका क्या फायदा है? बहुत बड़ा फायदा, इसके जरिए प्रकाश से मैं ज्योति का सौदा करूंगा। खास तौर पर ऐसी हालत में यह और भी आसान है जबकि ज्योति प्रकाश को नहीं पहचानती। प्रकाश को मेरे रास्ते से हटना होगा। एक बाप अपने एक लौते बच्चे के लिए क्या नहीं कर सकता। चलो अच्छा हुआ, अब मैं तुम दोनों से सौदा कर सकता हूं। कैसा सौदा? सौदा साफ है, बच्चा तुम ले लो, ज्योति मुझे दे दो। कमीने!
कहिए अब तबीयत कैसी है? Thank you.
माला। भैया आज कैसा शुभ दिन है? इस शुभ दिन के लिए तुम्हें पता नहीं क्या क्या चक्कर चलाए हैं। चक्कर? माला माला बेटी ना वैसे कहीं इसकी भी तो मेमोरी नहीं चली गई। हो गया। अरे बेटा मोती जल्दी से जाकर डॉक्टर ला, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा। मैं जाता हूँ। ठहरो बेटा, अब डॉक्टर की नहीं मिठाई की जरूरत है। तो फिर हलवाई बुला ला। लेकिन मिठाई क्यों? हाँ वाकई मिठाई क्यों? इसलिए कि आपके पिताजी दादा बनने वाले हैं। सच? हाँ, और सिर्फ मिठाई नहीं, अब इनको बहुत बड़ी दावत करनी पड़ेगी। ओ जरूर जरूर, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मगर हमारे यहाँ का रिवाज है कि पहले बच्चे की पैदाइश पर लड़की की माँ दावत करती है। क्यों बेटा मोती? बिल्कुल ठीक, दावत ये करेंगे और खर्चा आप। हाँ बिल्कुल ठीक, दावत वो करेंगे और खर्च। एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए। एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी दिल में जगह चाहिए।